हेलो स्टूडेंट्स। सो यार काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम सिलचर, ठीक है। तो इसका क्या सारा सीन होने वाला है, बिकॉज दिस इज पार्टिसिपेट इन CUET 2022। और भैया हमारे जो CUET के जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे एडमिशन का क्या प्रोसेस है CUET के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं क्या सारा सीन रहने वाला है आपका। सो गाइस, इसमें जो अगर अपन एडमिशन स्कोर की बात करें तो काफ़ी कम मार्क्स पे जो है आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपके तीन डोमेन का टोटल मार्क्स अगर 600 बन रहा है और 600 में से तिल आपके अगर 400 मार्क्स तक भी आ रहा है, देन आप सेफ हैं, ठीक है। आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। बेसिकली यार यहाँ पे ज़्यादा कुछ कोर्सेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर अपन बात करें पिछले कुछ सालों की, तो यार ये जो कॉलेज है वो काफ़ी धीरे से अपनी जस्ट लाइक प्रोसेस स्टार्ट करता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CUET का जो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, NTA का तो बेसिकली इतना सा ही काम है कि वो क्या करता है, वो आपको जो भी आपका स्कोर वगैरह दे देता है, वो बस इतना ही काम है उसका। बाकी सारा का सारा काम यूनिवर्सिटी का है कि वो अपने बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे जैसे भी लेना चाहे अप्लीकेशन इन्वाइट कर देती है। और जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियाँ साथ साथ ही इन्वाइट करती है, बिकॉज यार वो भी चाहते हैं कि हमारे पास करीब बच्चे आए, ताकि जो भी वो अच्छा काम करे फ्यूचर में, ठीक है, यूनिवर्सिटियों का नाम हो, ओके, एंड जस्ट लाइक एक सीनियरियो क्रिएट हो जाए। वरना तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी दिसंबर में ले ले, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जस्ट लाइक जुलाई में ले ले। इसी सीनियरियो को मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी, जैसे DU ने पोर्टल आज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे DU ने CSAS पोर्टल स्टार्ट किया, जामिया ने ऑलरेडी कर दिया, तो डेफिनेटली जो है बाकी जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो विद इन द 3 to 4 days के अंदर स्टार्ट कर देगी। क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन अगर पहले क्लोज हो गया, जो भी करीब बच्चे होते हैं अगर वो उनके पास चले गए, और जैसे उनके पास अगर अच्छे बच्चे नहीं आए, ठीक है, जिस प्रकार से वो एक्सेप्ट कर रहे थे वैसे बच्चे नहीं आते, देन यार इस प्रकार से जो है सारे का सारे जो एग्जाम जो सर्कुलर है वो ऑलमोस्ट मान सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम डेट्स पे ही चलता है। अगर अपन बात करें यार असम यूनिवर्सिटी की, तो काफ़ी लो मार्क्स पे जो आपका एडमिशन हो जाता है। आपने जो जो कोर्सेज वहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो उसमें जो भी है, जैसे ही पोर्टल सम्राट का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ओपन होता है, आप लोग ज़रूर से अप्लाई करिए, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपके जस्ट लाइक CUET के अंदर अगर कम मार्क्स भी आए हैं, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेजों के अंदर अप्लाई करिए, ठीक है, मैक्सिमम कॉलेजों के अंदर अप्लाई करिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कुछ अमाउंट्स भी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक 300, 400, 200, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज फ्री भी कर रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि कोई भी अमाउंट आपसे चार्ज नहीं कर रहे, दिस इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जो कि 1000 या फिर 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये ऐसे भी चार्ज कर रही है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका यार मैक्सिमम 4 to 5000 rupees खर्च हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम कॉलेजों की ओर जाइए, मैक्सिमम कॉलेजों को भरिए, ठीक है, उनके पास जाके अपनी डिटेल दीजिए, और आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन मिलता है, भैया हमको ये बेस्ट ऑप्शन कैसे मिलेगा। हालांकि यार मैं फ्री कोर्स बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर डालता रहता हूँ, लेकिन आप मेरी जो है पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान्स भी ले सकते हैं, जिसकी जो डिटेल्स है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप ले सकते हो, ठीक है। और भी आपकी कोई क्वारीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस कॉलेज के अंदर जो है जस्ट लाइक कोर्सेज की अगर अपन बात करें, तो यार जस्ट BA, MBA, ऑनर्स वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। BTEC के कोर्सेज की अगर अपन बात करें, तो यार जो जोसा के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। CUET के अंदर कुछ कॉलेजेस जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका वगैरह वगैरह मैनी कॉलेजेज आर प्रोवाइडिंग द BTEC कोर्स जस्ट लाइक थ्रू द JEE मेन पोर्टल, ठीक है, तो जस्ट CUET पोर्टल, ठीक है। कुछ ही कॉलेज है जो CUET के मार्क्स के बेसिस पे BTEC में एडमिशन दे रहा है, तो आपको उन कॉलेजों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनमें तो जरूर से अप्लाई करना, ठीक है। और यार आपका जस्ट फेवरेट कॉलेज कौन सा है, आप कुछ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।